हमने एप्पल को बारीक बारीक कट किया है, ये अनार के दाने हैं, और ब्रेड के जो इसका सख्त वाला पार्ट है, ब्राउन पार्ट, उसको हमने कट कर लिया है। ये ब्रेड तैयार करिए। ब्रेड भिगोने के लिए हमने इसमें पानी लिया है, और फ्रूट रस मलाई के लिए हम रबड़ी तैयार कर रहे हैं। इसका दूध गाढ़ा होने के लिए हमने रखा है। जब इसकी रबड़ी तैयार हो जाएगी, इसकी रबड़ी तैयार होने के बाद हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम इसके बॉल्स बनाएंगे। फ्रूट रसमलाई के लिए हमने ब्रेड को थोड़ा सा पानी में भिगोया, इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे। फिर हमने ये जो फ्रूट तैयार किए हैं ये इसमें डालेंगे। फिर इसका हम बॉल्स शेप दे देंगे। ये बॉल्स तैयार होने के बाद ये जो रसमलाई तैयार की है उसमें इसको डाल देंगे। इस पे थोड़ा सा फ्रूट रख दें। ये आपका फ्रूट रसमलाई तैयार है। आ गया समझ में?